हाय एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पर दो टॉपिक्स कवर अप करेंगे। पहला सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वेव फंक्शंस और दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो डेफिनेशन होगा, प्रॉपर्टीज होगा और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकल प्रूफ है वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग देखने वाले, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले। तो ध्यान से समझना। पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो इसको समझने के लिए पहले आप लोगों को एक सिस्टम को कंसीडर करना पड़ेगा और उस सिस्टम में मिनिमम दो पार्टिकल्स होने चाहिए और वो दो पार्टिकल्स जो है आइडेंटिकल होना चाहिए, है ना। तो उन दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स को मान लीजिए पार्टिकल नंबर वन, पार्टिकल नंबर टू, है ना। तो पार्टिकल नंबर वन मान लीजिए क्वांटम स्टेट ए पर है और पार्टिकल नंबर टू क्वांटम स्टेट बी पर है, है ना। तो इसको अगर मैं एक्सचेंज कर दो, यानी कि ए और बी जो क्वांटम स्टेट है और जिस पार्टिकल के साथ भी एसोसिएटेड है उसे मैं अगर एक्सचेंज कर दूँ, तब भी जो एक वेव फंक्शन को हम लोग निकाल ले कि वो उसका साइन चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ध्यान से समझना मैंने क्या कहा, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लीजिए एक ऐसा वेव फंक्शन है जो कि ए बी 1,2 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जो वन पार्टिकल है वो ए क्वांटम स्टेट पर है और जो टू पार्टिकल है वो बी क्वांटम स्टेट पर है, है ना। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा वेव फंक्शन ढूंढ के निकाल दिया है कि अगर हम लोग जिसका जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन है उसे मैं अगर चेंज कर दूं, यानी कि पार्टिकल नंबर टू को अब मैं ए के साथ एसोसिएट कर रहा हूं, तब भी इसका जो साइन है वो सेम है, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अगर इसमें साइन में चेंज, यानी कि निगेटिव साइन आ जाते हैं, अगर निगेटिव साइन आ रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या, एसिमेट्रिक वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो सारे आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, द वेव फंक्शन विच इज नॉट चेंज साइन ऑन एक्सचेंजिंग क्वांटम स्टेट ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन अ सिस्टम इज कॉल्ड सिमेट्रिक वेव फंक्शन। आप लोग शायद समझ गए ये वाला डेफिनेशन। अब जो इसको डिनोट करने का तरीका होता है वो होता है साई एस, यानी कि एस मतलब सिमेट्रिक और वेव फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं हम लोग, तो मिलके बन जाते हैं साई एस, ठीक है ना। अब इसका डेफिनेशन देखिए, मतलब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना वो है 1/√2 साई ए वन साई बी टू। अगर हम लोग क्वांटम स्टेट को चेंज करें वो क्या होगा, साई ए टू होगा, यानी कि पार्टिकल नंबर टू को क्वांटम स्टेट ए मिलेगा। लेकिन अब साइन चेंज नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही है, तो उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें जो पार्टिकल्स है सिमेट्रिक जो वेव फंक्शन को फॉलो करके चलता है ना, उसका जो स्पिन का वैल्यू है वो हमेशा जीरो होता है या इंटीग्रल स्पिन होता है ना, यानी कि प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, है ना। और इसमें जो पार्टिकल्स है उसे हम लोग बोसोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करके चलता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, इसमें जो पार्टिकल्स है एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए तो अल्फा पार्टिकल्स होता है, फोटोन्स होता है, हीलियम एक्सेट्रा, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए एसिमेट्रिक वेव फंक्शन, डेफिनेशन जैसे जैसे होगा ये वाला, लेकिन डू नॉट को आप लोग हटा देंगे तो एसिमेट्रिक वेव फंक्शन बन जाते हैं। डेफिनेशन किस तरीके से होगा, द वेव फंक्शन विच चेंज साइन ऑन चेंजिंग क्वांटम स्टेट ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन सिस्टम इज कॉल्ड एसिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। आप लोग यहाँ तक समझ गए। इसका जो डिनोट करने का तरीका होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एज इट इज ये वाला ही होगा, लेकिन प्लस के जगह पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो स्पिन का वैल्यू होता है उसमें था जीरो और इंटीग्रल स्पिन, यहाँ पर होता है हाफ इंटीग्रल स्पिन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स है उसे हम लोग फार्मियॉन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फार्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करके चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें जो एलिमेंट्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, तो उसे हम लोग फार्मियॉन्स भी कहते हैं। तो आप लोग इसको एग्जाम्पल आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फार्मियॉन्स और बोसोन्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता फार्मियॉन्स पर टिक देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ फार्मियॉन्स पर एप्लीकेबल होता है, क्यों होता है वो हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका स्टेटमेंट ये है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम में सेम क्वांटम स्टेट को नहीं मतलब ले सकता है, है ना। ए और बी दोनों सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कहता है। और क्वांटम सेट को बेसिकली डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, चार क्वांटम नंबर चाहिए, एन, एल, एम एल और एम एस, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसको अगर आप लोग जान लेंगे तो क्वांटम स्टेट आप लोग समझ सकते हो कि क्वांटम स्टेट को एक्जैक्टली डिफाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी होता है, जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से होता है, कभी कभी नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन ऑक्युपाई द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। देखिए अब हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए जो ए और बी हम लोगों ने कंसीडर किया वो हम लोगों ने इक्वल ले लिया, इसमें तो कहा था कि इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ले लेते इक्वल क्या होगा, तब जो साई ए होगा ये वो क्या था, ये ऐसे जिस था, लेकिन ए और बी इक्वल है तो बी के जगह पर मैं ए से रिप्लेस करने वाला हूँ। जब बी को ए से रिप्लेस कर देंगे तो ये दोनों वैल्यूज एज इट इज इक्वल आ जाएंगे और इक्वल वैल्यूज को माइनस करते तो जीरो आ जाते, है ना। तो साई ए का वैल्यू जीरो और ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो हम लोगों ने जो कंसीडर किया था वो गलत था, यानी कि ए और बी इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन बोसोन्स के लिए क्यों अप्लाई नहीं होता, देखिए
अगर हम लोग ए और बी को इक्वल मानते भी है तब इसमें क्या होगा, ए और बी इक्वल मानेंगे तो ट्वाइस ऑफ आ जाएंगे, माइनस के जगह पर अगर प्लस होगा तो इन दोनों का ट्वाइस ऑफ वैल्यू आ जाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे। तो ये सिर्फ बोसोन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, है ना, और किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ फर्मियंस के लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोग यहाँ तक समझ के कुछ भी डाउट हो या कॉमेंट हो ऐसा मुझे कॉमेंट भी दे सकते हो, मिले अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।